अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीशन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो सरकार बनने के 2 महीने में ही इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के इतिहास में ये पहली बार, पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का नामो निशान आम आदमी पार्टी में नहीं है, उसी का एक उदाहरण देखने को मिला पंजाब में भी, जब अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के मंत्री को बर्खास्त किया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। उनका कहना है भगवंत मान पर हमें गर्व है। भगवंत मान ने रिश्वतखोरी में फंसे अपने मंत्री को बर्खास्त किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको, डॉक्टर विजय सिंगला जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको गिरफ्तार भी किया है। ठेके के लिए कमीशन मांगने का आरोप है, और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब मैंने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई तो हमने भी अपने एक मंत्री के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी।